मेरी शुरुआत और आपके साथ। तो गाइज अभी बजे है शाम के 5 और मैं चढ़ा रही हूँ चाय, क्योंकि मंदिर में चढ़ानी होती है, तो इसलिए। वैसे मैं 4:30 बजे चढ़ा देती हूँ, पर आज लेट हो गई क्योंकि आज इतना भयंकर सपना सा आ रहा था। मतलब मैं उस सपने में खो गई और मेरे इतनी भारी, इतना तेज़ सर दर्द हो गया और अभी तक मेरा सर भारी भारी हो रहा है। और आप मेरे फेस पे देख रहे होंगे ये टीका, तो मैं बता दूं कि आज मेरा फास्ट है, क्योंकि मंडे टू मंडे मैं फास्ट रखती हूँ, और तो इसलिए आपको वाइट सूट एंड टीका वगैरह दिख रहा है। और तो मैं अभी, मेरी यहाँ चाय बन रही है, तो अभी मैंने कर ली है पूजा। और तो मम्मी अभी प्रसाद वगैरह और सब्जी रोटी वगैरह बना रही है। तो जो मैं आपको दिखता होगा व्लॉग में, तो इसका यही रहता है 24 घंटे। इसके पेपर चल रहे हैं, एग्ज़ाम चल रहे हैं इसके, और इसको कोई शर्म नहीं है। इसको मतलब लग ही नहीं रहा इसके पेपर चल रहे या नहीं चल रहे, अपनी धुन में। यहाँ पे बन रहा है ये प्रसाद, और यहाँ पे सब्जी चढ़ा रखी है और मम्मी गूंज रही है। वीडियो को प्यार दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और वीडियो को यार फैला दो पूरी तरह से। और मैं अब अच्छे अच्छे मतलब कंटेंट वगैरह लाया करूँगी। कोशिश तो देखो मेरी यही रहेगी, देखो धीरे धीरे करके आगे बढ़ूँगी, कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश करूँगी आप लोगों को भी इंटरेस्टिंग। तो अभी तो मेरे खुद के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैं तो कोशिश करूँगी कि डेली आपको व्लॉग दूँ। तो गाइस बस यही हमारी प्यारी सी वीडियो जाएगी। और अभी मम्मी प्रसाद बना रही, जैसे आपको मैंने दिखाया, तो वो भी भोग लगाएंगे उसको। मैंने पूजा मंदिर की कर दी है ऑलरेडी, और अभी मेरा मुंह बहुत ख़राब सा हो रखा है ज़्यादा मेरे को, तो देखो मेरे बाल भी बहुत बुरे हो रहे हैं गाइस, बहुत टूटते हैं यार। इसके लिए भी कुछ इलाज वगैरह कराएंगे, ट्रीटमेंट वगैरह। देखो ये घर में कौन आया है, ये देखो कौन आया। हेलो, तो गाइस देखो इतने सुंदर सुंदर से बच्चे कहाँ जा रहे हो? पार्टी में। हाँ। किसकी पार्टी में? चाचू की पार्टी। आपको दिखाऊं, ये देखो मुंह में नहीं लेते बाबू, मुंह में से निकालो। ये चाचू की पार्टी में जा रही है। प्रॉब्लम हो गई, मैं इतने आराम से ब्लॉग शूट कर रही थी और मैं अभी बाहर गई थी ना, मैंने अभी आपको बच्चों को दिखाया छोटे, तो अभी चाचू की अपनी पार्टी में जा रहे हैं। तो मैं अभी बाहर गई किचन में, मम्मी ने बुलाया कि अभी तुझे अपना प्रसाद और मेरा प्रसाद खुद बनाना पड़ेगा, तो मैं जाती हूँ और प्रसाद बनाते हैं। तो चलिए चलिए गाइस बनाते हैं प्रसाद। और अब तो मम्मी को बनाना नहीं है, तो मुझे बनाना पड़ेगा। लेट्स गो। कुछ बंदर हमारे व्लॉग में आपको देखने को मिला करेंगे। तो गाइस अभी ये होने वाली है, इतने अभी परांठे बनाते हैं और आपसे मिलते हैं बाद में। मेरा, मैं लिया ही अपना प्रसाद। और यार ये मैंने मास्क इसलिए लगा रखा था क्योंकि मुझे ना छींटे वाले काम का बहुत डर लगता है। जब छींटे आती है ना, जैसे पूड़ी तल रही होती है तो आती है, अगर गलती से गलत जगह हमने जल्दीबाजी में या ऊपर से कर दिया तो छींटे आती है और परांठों से आती है, तो मुझे ना इन सबसे बहुत डर लगता है। ठीक है, तो भाई मम्मी ने बुलाया परांठे बुलाने के लिए, तो फिर है ना मुझे इतना डर लग रहा है। मैं बेल तो रही थी, मैं बेल बेल के चीनी भर के उसमें सब काम कर दिया, बस तवे पे डालने से मुझे डर लग रहा था क्योंकि मेरे ऊपर ना जाए। तो मम्मी ने कहा कि मास्क लगा के आ जा, तो मैं मास्क लगा के गई। बस मुंह की सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है भाई, और हाथ पैर की, तो इसलिए ना मैं अपने आप को पूरा कवर करके गई थी। तो फिर नीरज को बुलाया, तो नीरज ने थोड़ी हेल्प की और वो उसने भी आधे पराठे पीछे से जला दिए। तो मैं तो यार मेरे से ना ये वाले काम नहीं होते, मैं रोटी वगैरह बना लूँगी, पर परांठे वगैरह और पूड़ी से ना मुझे बहुत डर लगता है। वो जब छोड़ते हैं ना कढ़ाई में और तब आती हैं छींटे, उस चीज़ से मुझे बहुत डर लगता है यार, क्योंकि पहले भी ना हो ही का बढ़ता। तो मैं ना पूड़ी बना रही थी, मम्मी के साथ हेल्प करा रही थी, मैंने फ्लो में ना थोड़ा ऊपर से डाल दिया और मेरे ऊपर आया हाथ पे, और मम्मी के भी लगी।
तो तब से मुझे ना डर बैठ गया है कि यार अब से ना कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे अब दोबारा वो डर सहना पड़े। तो कोई नहीं, धीरे धीरे हो जाएंगे परफेक्ट। मम्मी भी डांट रही थी, कोई नहीं मैंने सुन दिया भाई, गलती थी मेरी। तो गाइज मैं अब खा लूँ और मिलती हूँ मैं आपसे बाद में। मैंने खा लिया है अपना प्रसाद और मैं ब्यू फ्री कपड़ों की टाई भी लगा दी, जो कि ऊपर से कुछ कपड़े आ रखे थे। और हाँ मैं आपको बता दूँ कि मैं जब बनाने जा रही थी पराठे वगैरह तो मैं शूट नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ मतलब वहाँ कैमरा सेट करने की जगह नहीं थी। और मैं अगर कैमरे पे देख देख के बोल बोल के काम करती तो फिर वो मेरे से नहीं होता, फिर तो मैं रियल में ही जल जाती। तो गाइस ये प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं फ़ोन रख के और मैं बनाने चली गई थी। तो अब इसका चलेगा डिनर और मैं जैसे जैसे जो भी होगा मैं आपको शूट करके दिखाती रहूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। तो गाइस बने रहिए वीडियो में। ये देखो ये डिनर कर रही है, क्या खा रही है। इस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट्स करके चैनल में बताइए कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।